दोस्तों बहुत बड़ी न्यूज़ निकल करके सामने आ रही है, जिसमें जो 69,000 मतलब 69,000 शिक्षकों की भर्ती की जो सूचना 2018 में जारी की गई थी और जिसकी परीक्षा 2019 में हुई थी, उसको उच्च न्यायालय की खंडपीठ लखनऊ ने रद्द कर दिया है। कहने का मतलब, रक्षाबंधन में ये योगी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका, धमाका कह सकते हैं, और उन शिक्षकों के लिए धमाका कह सकते हैं जो इस भर्ती में चयनित हुए थे, और उनके लिए एक ऑफ़र भी कह सकते हैं जो इस अनियमितताओं के कारण वंचित हो गए थे। दोस्तों, ये जो शिक्षक चयनित नहीं हुए थे, उनके द्वारा लगातार 3-4 सालों से लखनऊ के इको पार्क में धरना दिया जा रहा था, और उन्होंने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके सामने अपनी बात कही। हाई कोर्ट में उन्होंने अपीलें दायर की और हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इस पर फैसला सुनाया है और सरकार को ये आदेश दिया है कि अगले 3 महीने में वो नई लिस्ट जारी करे, मतलब नए जो भर्ती होंगे शिक्षक उनकी लिस्ट जारी करे। मतलब इसमें जब भर्ती की प्रक्रिया की गई थी, इसमें अनियमितताएं पाई गई और 19,000 सीटों पर अनियमितताएं पाई गई, जिसमें 6,000 सीटें SC की हैं और 13,000 सीटें OBC की हैं, और इन 19,000 को नॉट फॉर सुटेबल कह करके बाहर कर दिया गया। दोस्तों, बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994, जिसमें आरक्षण नियमावली 1994 की धारा 3(6) के तहत इसमें अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसके कारण उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इसको रद्द कर दिया है। नियमावली के तहत ये कहा गया है कि जिन अभ्यर्थियों का नंबर सामान्य श्रेणी में आएगा, जिनके नंबर मतलब ज़्यादा होंगे, उनको अपने आरक्षित सीट से हटा करके उनको अनारक्षित सीट में रख दिया जाएगा, मतलब सामान्य वर्ग में रख दिया जाएगा। लेकिन इस प्रकार की कोई चीज़ भर्ती प्रक्रिया में नहीं की गई है, और इन्हीं सब की अनियमितताओं को देखते हुए हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने, 2 बेंच की पीठ ने इसको रद्द कर दिया। तो दोस्तों, अब ये देखना है कि जो शिक्षक भर्ती हो गए थे, अब उनका क्या होगा, मतलब उनको रद्द कर दिया जाएगा उनकी भर्ती प्रक्रिया, या कुछ और इसमें देखा जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। और इस पूरी अनियमितताओं वाली प्रक्रिया में OBC के केवल 3% लोग चयनित हुए थे, और जिसमें 19,000 लोगों को नॉट फॉर सुटेबल कह करके बाहर कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये रक्षाबंधन के त्यौहार के पहले एक बहुत बड़ा धमाका कह सकते हैं, और आगे क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या जानकारी आएगी, आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पर GS की पूरी तैयारी कराई जाती है, बहुत अच्छी तैयारी कराई जाती है, आप लोग चैनल को विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले न्यूज़ के साथ, और सेव वाटर सेव लाइफ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।